शुक्रिया वसीम भाई। इसके अलावा हमारे साथ कल NHRC में इकराम की फैमिली भी थी, लेकिन आज किसी वजह से वो यहाँ उनको घर वापस जाना पड़ा है। मैं फिलहाल इन सारे केसेस को समराइज करने के लिए और उन पर और रोशनी डालने के लिए मैं दरखास्त करूँगा अकरम चौधरी साहब से। अकरम भाई शामली से हैं और इन सारे फैमिली से संपर्क में रहे हैं, इन केसेस को डीपली जानते हैं, तो आपसे दरखास्त है बहुत शॉर्ट में आप इन केसेस को समराइज करें। शुक्रिया। जहाँ तक सवाल है इनकाउंटरों का, तो लगभग नई सरकार के आने के बाद तो अभी तक 1500 के आसपास इनकाउंटर चले गए हैं, और इनकाउंटर से ही सरकार चाह रही थी कि हमारा कोई नया कारनामा हो, तो नया कारनामा लेकर के एक नई चीज जो है वो इनकाउंटर आया है। मिसाल के तौर पर घर से किसी को उठा रहा है वो भी इनकाउंटर, अरेस्ट वारंट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने वारंट दिए घर से किसी को लेके आना है वो भी इनकाउंटर, रास्ता चलते पकड़ लिया किसी को वो भी इनकाउंटर, हर कोई प्रोसेस लीगल जो प्रोसेस है 82 का नोटिस करना है वो नोटिस लगाने गए वहां से उसको उठा लिया वो भी इनकाउंटर। तो हर केस जिसमें अरेस्टिंग हो रही है पिछले एक साल के लगभग वो इनकाउंटर माना गया है, तभी इनकाउंटरों की संख्या जो है वो 1500 के पार है। 1500 इनकाउंटरों में लगभग 50 को मारा है, और इंजरी जो है मुझे लग रहा है 500 के पार इंजरी है, 475 एक महीना पहले थी तो 500 के आसपास लगभग इंजरी है। दो तरह की इंजरी है, पुलिस को इंजरी है, एक क्रिमिनल को इंजरी बताई गई है। पुलिस की इंजरी है बहुत सादी सी, उसमें क्लियरली डॉक्टर कहीं अगर पुलिस वाले कोशिश करते हैं इधर उधर करके डॉक्टर से लिखवा लेते हैं कि गोली है, अदरवाइज ज्यादातर केसेस में या तो पुलिस फाड़ ले जाती है अपना मेडिकल, या क्या करते हैं कि मेडिकल में मेडिकल एग्जामिनर जो है वो लिखता ही नहीं कि गोली है, बोलता है मेरा सीनियर ऑफिसर रेडियोलॉजिस्ट वो है वो लिखेगा, मैं इस लायक नहीं हूँ कि मैं इसको गोली लिखूं। बल्कि जो क्रिमिनल्स को दिखाया गया कि गोली लगी है वो गन शॉट है क्लियरली। और ये जो भागने की बात हो रही थी, अगर बदमाश डकैती डाल रहे हैं तो कम से कम 4 होंगे 5 होंगे, जैसा कि नेचर है डकैती का नेचर यही होता है। FIR देख लीजिए आप उठवा के, यूपी में जितनी डकैती हुई है इसमें 5 से कम 4 से कम बदमाश नहीं होते। लेकिन इन केसेस में जो इनकाउंटरों में क्लीन हुई है वहां डकैती की प्लानिंग हो रही थी लेकिन बदमाश दो थे, तो दो बदमाश डकैती की प्लानिंग कर ही नहीं सकते, क्योंकि अगर बाइक पे भी जो रोकेंगे तो जो जिसको लूटना है वो भी दो है, तो वो दो और दो दो के साथ दो बिल्कुल नहीं बैठता। पुरानी जितनी भी FIR आप उठाइए उसमें डकैती जो है वो 4 लोग 5 लोग इस तरीके से करते हैं, और FIR में वो नेचर है। बट यहाँ ज्यादातर केसेस में ये कहते हैं कि वो प्लानिंग कर रहे थे खड़े हुए वहां, वो आ रहे थे डकैती करने जा रहे थे और वो आए उनको मार दिया। दूसरी चीज जो मैं बता रहा हूँ कि जहां क्लीन्स हुई है इनकाउंटर में वहां पे जो भाग गया है वो 2 या 3 जो है वो भाग गए हैं और वो अकेला मारा गया है, लेकिन जहां इंजरी हुई है पैरों में वो 3 थे 4 थे सारे के सारे पकड़े गए हैं। तो इससे भी नेचर पता चलता है कि वो 2 या 3 नहीं थे मारने वाला, बल्कि वो एक ही था पकड़ के लाया गया था मार दिया, क्योंकि भागने का सवाल ही नहीं होता अगर चारों तरफ से पुलिस घेर लेती है और बड़े लेवल पे। तीसरा जो मैं चीज बताना चाह रहा था कि दो अगर लोग हैं और दोनों बाइक पे जा रहे हैं और वो गिर जाते हैं दोनों के ऊपर गोली चली, तो दोनों को गोली लगनी चाहिए एक साथ में, एक को 6 गोली लग जाए, एक को 5 गोली लग जाए और एक को 1 भी गोली ना लगे, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि अगर हम एकदम फायर कर रहे हैं बदमाश के ऊपर, दो लोग हैं दोनों कैसे बच गए, एक को 5 लगी है तो एक तो लगनी चाहिए। वो अभी मंगला बता रही थी कि जो ट्रेंड था वो सब। दूसरी चीज ये तो जो हो जाता है इनकाउंटर वो फैमिली जो झूझती है, जैसे गुरमीत की बात शुरू हुई थी, गुरमीत को सरकारी हॉस्पिटल में ले गए वो जल्दी में, और सरकारी हॉस्पिटल में जब वो सेटिंग करना चाह रहे थे वहां डॉक्टरों के साथ नहीं हो रही थी, क्योंकि सरकारी डॉक्टरों में आप दबाव नहीं बना सकते, वो उनके पास भी अथॉरिटी है, वो फटाक उसको लेके जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल। प्राइवेट हॉस्पिटल वो सरकारी जो हॉस्पिटल है उसके लेवल का बिल्कुल भी नहीं, वो एक छोटा सा हॉस्पिटल है जो खुला है अभी सहारनपुर में, इस बड़े सरकारी हॉस्पिटल से क्यों उन्होंने रेफर किया, किसने उनको ऑर्डर दिया रेफर करने के लिए। जैसे उसकी बात आई है कि गोली का ऑपरेशन जो है फैमिली से मिलने नहीं गया, वो बताना चाह रहा था कुछ, तो पुलिस वाले वहीं दोनों ने बिस्तर लगा रखे थे बराबर में, फैमिली एंट्री नहीं होती थी, दरवाजा नॉक करते थे अंदर जाते थे तो फैमिली से मिलने नहीं देते थे, बात नहीं कर रहे थे कहीं ये बता ना दे कि मेरे साथ क्या हुआ है। 22 दिन तक जब तक जिंदा रहा फैमिली बात नहीं कर पाई, खिलाने पिलाने के लिए बच्चा है अपना जूस वगैरह कुछ भी वो मांगता था तो उसको नहीं दिया जाता था। तो इस तरीके से हर उसमें पहले तो कोशिश की गई कि वो जो गोली पेट में लगी है उसका ऑपरेशन ना किया जाए ताकि वो मर जाए, वो किस्मत थी उसकी बच गया, लेकिन जब वो 22 दिन तक
अगर हम इसके उसमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखें, पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि उसके सारे जख्म जो है, सारे जख्म भर गए थे, वो हील हो गए थे, तो फिर किस बुनियाद पर जब वो सारे जख्म भर गए हैं तो अब किस क्या मरना था उसका? फिर इंफेक्शन की जो बात की गई और इंजेक्शन, वो सारी चीजें, वो ये दिखला रहा है कि पुलिस एविडेंस छुपाने के तौर पर, एविडेंस मिटाने के तौर पर बलजीत, उसका गुरजीत का एक बार कोशिश की कत्ल करने की, लेकिन फिर दोबारा हॉस्पिटल में उसका कत्ल किया गया। रहा सवाल जो है सालिहा का, सालिहा के जो हस्बैंड शमशाद को मारा गया, वो 8 की तारीख को जब उसको उठाया गया तो उसको इतनी मारपीट कर दी गई, तो इतना टॉर्चर किया गया, तो उसी में डेथ हो गई। और हाथ पैर फूल गए, पुलिस वाले हैं वो भी इंसान है, हाथ पैर फूल गए, पता नहीं चला करें क्या करें इसका, बोड़ी है तो कैसे करें। अब बोड़ी में उनको 2-3 दिन ऐसे ही रखा उन्होंने कहीं रख करके, फिर सोचा तो 11 में अभी इनकाउंटर, क्योंकि सितंबर में जो थे इनकाउंटर शुरू हुए थे, कुछ जगहों पर मार्च अप्रैल में छोटी मोटी इनकाउंटर हुए, लेकिन सितंबर अक्टूबर और नवंबर के पीक टाइम है इनकाउंटरों का, तो सितंबर में ये जो ट्रेंड था ना, ये 1-2 इनकाउंटर 3-4 इनकाउंटर पश्चिम यूपी में हुए थे, तो सहारनपुर पुलिस को भी लगा कि ये इनकाउंटर हम दर्शाते हैं इसको, लेकिन 3 दिन बाद अकल आई और 3 दिन बाद उसको गोलियां मारी, तो जब गोलियां मारी, यहां मारी, यहां मारी और पैर में मारी, तो खून निकलना ही नहीं था, क्योंकि बॉडी पहले से ही मुर्दा थी, जब मुर्दे आदमी में गोली मारोगे तो कहां खून निकलेगा, तो कहीं भी उसकी बॉडी पे खून नहीं था, वो गोलियां अंदर धस गई, उसके कपड़ों में कहीं निशान नहीं था, क्योंकि नंगा करके उसको मारपीट की गई थी उसके साथ। जब पोस्टमार्टम में था तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कह रही है कि उसको 3-4 दिन पहले मार दिया, उसमें कीड़े पड़े हुए उसके, अगर फोटो भी देखोगे ना फैमिली के पास जो फोटो है, उसके सर में जगह जगह आंखों में कीड़े चल गए हैं, तो उसको इनकाउंटर बनाया जा रहा है। तो ये शमशाद खान, इसमें ज्यादा कुछ कहने की बात नहीं, क्योंकि मेडिकल जो एग्जामिनर है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो सब कुछ कह रही है। मंसूर की जो बात है, मंसूर की अम्मा जो है, उन्होंने वो पहले से जानती थी प्रशांत कपिल, राशि दिग्राम, वो आए और चुपचाप लारा लगा के ले गए और मेरठ ले जाके मार दिया। मेरठ में वो पोस्टेड थे, पहले सहारनपुर में थे, वसीम ने बताया, और फिर अब वो मेरठ में है और मेरठ में ले जाकर के उन्होंने मार दिया। प्रशांत कपिल की अगर मैं बात करूं, प्रशांत कपिल के और भी कई केसेस लगे हैं। एक सलमान के केसेस में, क्योंकि लिंक है, प्रशांत कपिल ने सलमान को बाइक सही कराते हुए उठाया, उसके पूरे ग्रुप ने, और उठा के उसको जंगल में जाके गोली मार दी, गोली मार के पैर में गोली मार के जेल भेज दिया। प्रशांत कपिल की जो नाम आया है यहाँ, जेल भेज दिया, तो वहां उसकी फैमिली, माँ है सलमान की, उस एक लॉयर ने उसकी मदद की और 156-3 डाली। 156-3 में लॉयर ने क्या किया कि जहां वो मोटरसाइकिल सही करवा रहा था, उसके सामने एक फैक्ट्री थी, उसमें वो लगा हुआ था सीसीटीवी कैमरा, वहां से सीसीटीवी कैमरे की फुटेज निकाली, फुटेज निकाल के कोर्ट में सीडी बना के पेश की, प्रशांत कपिल को बुला लिया और उसमें पूरा जो है उसको लताड़ा जज साहब ने। उसके बाद क्या सेटिंग हुई जज साहब भी, अगली हियरिंग पे क्या है, एक कंप्लेन का सिंपली जो है ना, अंडर सेक्शन, जो लॉयर हमको पता है, अंडर सेक्शन 200 एक कंप्लेन का वो ऑर्डर दे देते हैं, ना ही उसके खिलाफ FIR दर्ज करते हैं। लॉयर बताता है कि इनकी आपस में, जज साहब की और इनकी सेटिंग हो गई है, और इसमें दूसरी तरफ क्या है कि परिवार को भी प्रेशराइज किया जाता है प्रशांत कपिल के द्वारा, और प्रेशराइज करके वो विड्रॉ कराते हैं केस उसकी मां से, के पैसे की लेन देन भी उसमें बात आती है, और विड्रॉ करा के केस उसकी जमानत करवा देते हैं खुद ही पुलिस वाले, कि ठीक है ये हम भी फैसला कर लेते हैं, इसमें जमानत हो जाती है। फिर कुछ दिन बाद फिर सलमान को बदला लेने के लिए 156-3 डालेगा हमारे खिलाफ, उसको दोबारा इनकाउंटर करते हैं, दूसरी गोली मारते हैं पैर में, फिर जेल भेजते हैं। तो प्रशांत कपिल की ये हिस्ट्री है। प्रशांत कपिल ही एक FIR हुई है अभी कुछ दिन पहले, जो एक होटल में बताया जाता था कि सेक्स रैकेट या वुमेन ट्रैफिकिंग के केसेस में भी इन्वॉल्व था। तो यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर भी है, सुप्रीम कोर्ट के साथ ऑर्डर के, तो क्रिमिनलों की खोज है यूपी पुलिस। इसके बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि फर्जी कट्टे के केस, फर्जी केसेस इतने हैं, महिलाओं के खिलाफ इतने केसेस बढ़ गए हैं कि पूरी तरह से खासकर मुस्लिम महिलाओं को जो टारगेट किया जा रहा है, 151 में बेल SDM दे देता है, लेकिन उसमें भी नेता लोग प्रेशर डालते हैं, उसको भेज देते हैं। तो इस तरीके से पुलिस का गलत तरीके से नेताओं द्वारा, और कई जगह ऑडियो टैप के द्वारा भी पता लग गया है, ये सारा नेताओं का खेल है कि लोकली पश्चिमी यूपी को कैसे बदनाम किया जाए टारगेट, क्योंकि पश्चिमी यूपी है, आप देख लीजिए अलीगढ़ के नीचे नीचे इनकाउंटर जो है वो 80% इनकाउंटर है, आजमगढ़ थोड़ा सा है, बीच के जो सारे जिले हैं उनको छोड़कर यही सब बदमाश बसे हुए हैं, कि दिखाने की कोशिश है कि पश्चिमी यूपी को किसी ना किसी तरह टारगेट किया जाए।
रहा जो इनकाउंटर के लोग, तो लगभग सारी चीजें बातें आ गई हैं, जो ट्रेंड चल रहे हैं पूरे, और जैसे मीडिया का बड़ा रोल रहा है इसमें, मैं शुक्र अदा करना चाहता हूँ कि मीडिया ने जब आवाज उठाई तो उसके बाद धीरे 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 सुखड़ते चले गए इनकाउंटर। आज अगर हम बात करें तो बहुत नोएडा और गिने चुनी जगहों पर, वरना तो जैसे मैं बात कर रहा था शुरू के दिनों में 400-500 लोगों को घायल करना एक आम बात नहीं होती। बड़े लेवल पे इनकाउंटर को ही मुद्दा बनाना चाह रही थी सरकार क्राइम कंट्रोल के नाम पर, और इनकाउंटरों के नाम पर ही वो वोट बटोरना चाहती थी और वाहवाही हुई। मैं बताना चाहूंगा कि कई एसपीओ के प्रमोशन हो गए, एसपी को एक साल में ही एसएसपी बना दिया, एसपी को माला डाली गई और बड़ा सड़क पे घुमाया गया, और मजे की बात यह है कि क्राइम कंट्रोल के नाम पे ही हो रहा है। और जब एसपी साहब जो है सड़क पे घूम रहे हैं और माला डल रही है उनके गले में, तो उसी शहर में जो दरोगा है, दरोगा के शहर में डकैती हो जाती है। तो इस तरह के भी है, मेरठ में दिन दहाड़े मर्डर हो रहे हैं लगातार, एक मर्डर हुआ तो उसमें जो विटनेसेस है उसके डबल मर्डर हो गए। उसके बाद अभी रिसेंटली जो है मेरठ में जो है दुल्हन जा रही थी बारात, उसको मार दिया। तो क्राइम कंट्रोल के नाम पे सभी हो रहा है, और चाहे स्नेचिंग, रेप, ये सारी चीजें मौजूद है लगातार। इनकाउंटर हो गए जितने होने थे या आगे जो मंशा है सरकार की, लेकिन ये है कि इनका क्राइम पे बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है।